तो आप देख रहे हैं आरसीएन। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर और मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर और मुख्य समाचार को देखने के पहले, अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो आप अपने शहर या गांव या कस्बे या राज्य का नाम लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलें, जिससे आपके लिए सही और सटीक जानकारी लाई जा सके। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर पेट्रोलियम मंत्री की एक बहुत बड़े बयान को लेकर है। आपको मालूम होगा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब उसमें कमी कैसे लाया जाए, इसके बारे में पेट्रोलियम मंत्री जी नहीं सोच रहे, बस बयानबाजी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ओपेक या उसके सहयोगी देशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वह सस्ते आपूर्तिकर्ताओं से ही तेल खरीदेगा। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की अपील पर सऊदी अरब के जवाब को गैर कूटनीतिक बताया। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में कहा था कि जो भारत ने कोरोना की महामारी के दौरान भंडारण किया है उसका उपयोग करें, तेल के दाम घट जाएंगे। लेकिन भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। भारत जो भंडारण किया है बल्कि 2013 के अपेक्षा डॉलर प्रति बैरल तेल के दाम में कमी आई है। जो कच्चा तेल मिलता है 2013 में लगभग 113 डॉलर प्रति बैरल था और 2021 में 65 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। तो क्या 2013 की अपेक्षा 2021 में कच्चे तेल का दाम सस्ता है या नहीं, आप लोग बताइए। तो कच्चे तेल का दाम सस्ता जब है तो आखिरकार भारत सरकार के द्वारा तेल के दाम में कमी क्यों नहीं आ रही है? जो 2013 में तेल का दाम था उससे कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया है। तो इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, और सरकार विचार विमर्श नहीं करेगी तो महंगाई बढ़ती रहेगी। सरकार का कहना है कि राज्य सरकार इसके बारे में सोचे, उसके बाद कहती है केंद्र और राज्य मिलकर सोचे। तो पहले केंद्र एक कदम आगे बढ़ाए, उसके बाद राज्य बढ़ाएगी जरूर, लेकिन पहले केंद्र सरकार को जो टैक्स लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर, उसको कम करना चाहिए, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा कम कराया जाए, तब जाकर कहीं महंगाई कम हो सकती है। अगली खबर है कि पशुपालन विभाग में भारतीय घोटाले की जांच 3 सप्ताह में पूरी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पशुपालन विभाग में जो भारतीय घोटाले की जांच चल रही है वह 3 सप्ताह में पूरी कर दी जाए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पशुपालन विभाग में लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती में हुए घोटाले की जाँच 3 साल में पूरी न कर पाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को 3 सप्ताह में जांच पूरी करने का आखिरी मौका दिया है। कहा है कि फिर भी जांच पूरी नहीं होती है तो एसआईटी प्रमुख डायरेक्टर जनरल व्यक्तिगत हलफनामा देकर स्पष्ट करें कि किन कारणों से जांच पूरी नहीं हो पा रही है। सुनवाई 28 अप्रैल 2021 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मोहम्मद अकरम व 5 अन्य की याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि वीडियो भर्ती 2018 की भी जाँच हो रही थी, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आई थी। प्रथम दृष्टिता यह पाया गया था कि उमार सीट से छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तुरंत निर्णय लिया कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, प्री एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है। अब एग्जाम कब तक होगा इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली खबर है यूपी बोर्ड के स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र की जानकारी नहीं। स्कूलों ने कहा न किताबें न पाठ्यक्रम, 1 अप्रैल से करना क्या है? तो सबसे बड़ी सवाल है कि आखिरकार यूपी बोर्ड के स्कूलों को जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के स्कूलों को 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए शैक्षिक सत्र की कोई भी जानकारी नहीं है। ना तो विभाग ने अभी एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है और ना ही किताबें आई हैं। ऐसे में स्कूल के सामने बगैर कैलेंडर के अगले सत्र की पढ़ाई कैसे शुरू की जाए, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि बोर्ड ने जो माहवार पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें पढ़ाई जुलाई से मार्च तक कर दिया गया है। तो सवाल है कि स्कूलों को कैसे जानकारी मिलेगी, इस पर यूपी बोर्ड को विचार विमर्श करना चाहिए। जुलाई से मार्च तक
का ही पाठ्यक्रम, आपको बता दें कि बोर्ड ने माहवार पाठ्यक्रम जारी किया है, लेकिन उसमें जुलाई से मार्च तक का ही पाठ्यक्रम दिया गया है। अप्रैल और मई माह में छात्रों को पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा पढ़ाया जाएगा इसका उल्लेख नहीं है, तो इसका उल्लेख करना चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम था वह जारी कर दिया है। 648 पद थे, 580 चयनित हुए हैं, 68 पद रिक्त रह गए हैं। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि मार्च माह में कौन कौन से बहुचर्चित भर्ती परीक्षा परिणाम आएंगे और 8 अप्रैल तक किस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा, तो जो बताया गया था वही हुआ है। आगे कोई जानकारी भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में या कई किसी नई भर्ती विज्ञापन के संबंध में प्राप्त होगी तो इस चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी। अगली खबर की सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2016 में निकाली गई सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी डिग्रियां डोयक संस्था द्वारा जारी किए जाने वाले ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट की तुलना में बेहतर मानते हुए उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है जो ओ लेवल की समकक्ष डिग्रियां हैं उन्हें मान्य कर लिया जाए। तो हाईकोर्ट के फैसले को सभी लोग स्वीकारते हैं क्योंकि यह भविष्य के लिए और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगली खबर है कि एलटी के शिक्षकों और प्रवक्ताओं को होली के पहले वेतन, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि अधीनस्थ सेवा चयनित 25 एलटी के शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया गया है। शिक्षा विद्यालय माध्यमिक ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड पद पर अधीनस्थ बोर्ड से चयनित 25 शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है। अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से 25 मार्च 2021 को जारी आदेश में कहा गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद उनके वेतन भुगतान किया जा रहा है। अगली खबर है राज्य विश्वविद्यालय की, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अप्रैल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है। आप मानकर चलिए कि अप्रैल के अंत में नहीं हो पाएंगी तो मई माह में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इसलिए आप लोग भी तैयारी करते रहें। अगली खबर है कि अब 2 साल में अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन, या CBSE की खबर है। अतिरिक्त विषय के आवेदन की समय सीमा हुई कम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी अब अतिरिक्त विषय में पढ़ाई के लिए 2 साल के भीतर ही आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन करने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 2 साल कर दी है। यह नियम वर्ष 2021 की परीक्षा में लागू होने जा रहा है, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।